हेलो स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। दिस इज थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 8। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम और जिंक कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। सिंथेटिक फाइबर कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स और मोनोमर्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट्स कॉल्ड अ पॉलीमर। चलिए आज हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। फाइबर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल भी और सिंथेटिक भी, बट टुडे वी टॉक अबाउट अ सिंथेटिक फाइबर। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो फाइबर को हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं जो मैनमेड होता है, ठीक है, जिसको तैयार किया जाता है बहुत सारे प्रक्रियाओं द्वारा, जिसमें रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं पेट्रोलियम उत्पादन के समय जो रॉ मटेरियल प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम से, उसे हम लोग पेट्रोकेमिकल कहते हैं। और जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं स्मॉल यूनिट्स, मतलब जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनने होते हैं, और सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर्स, ठीक है, और वही कंबाइन करते हैं और एक लार्ज यूनिट बनाते हैं जो पॉलीमर कहलाते हैं। जैसे आप लोग माला देखे होंगे, गुड़िया का माला, गुड़िया का टोटल माला में जो आपको एक मोती दिखाई पड़ता है वो मोनोमर है, और उसी एक मोती को धागे में पिरो के जब पूरे माला तैयार करते हैं तब वो आपका क्या कहला जाता है, पॉलीमर। यानी पॉलीमर को अगर हम समझते हैं या सिंथेटिक फाइबर के स्मॉलेस्ट यूनिट को समझते हैं तो समझ सकते हैं एक माला के मदद से, जिस माला में एक एक मोती आपको मोनोमर को दिखाता है और एक एक मोती को मिलाकर जो एक पूरी माला बना वो आपको पॉलीमर को बताता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर क्या होते हैं। आगे बात करते हैं, और यही मोनोमर्स कंबाइन करके पॉलीमर बनाते हैं, यही पॉलीमर से आगे चल के आपके सिंथेटिक फाइबर बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, विल नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स लाइक अ नेचुरल फाइबर। दीज फाइबर कैन ऑल्सो बी वोवन इनटू अ फैब्रिक्स। अब कहा जाता है कि जब हम लोग नेचुरल फाइबर्स प्राप्त करते हैं प्लांट और एनिमल से, तो उसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर को भी हम प्राप्त करते हैं केमिकल से, जो पेट्रोकेमिकल से सबसे प्राप्त होता है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल से सब प्राप्त होता है। ये सारे फाइबर को ही बीन कर, चाहे वो आपके नेचुरल फाइबर्स जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं या जो सिंथेटिक फाइबर आपके पेट्रोकेमिकल से प्राप्त होते हैं, ये इन्हीं फाइबर्स को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं फाइबर्स को मिलाकर हम लोग जो फैब्रिक होता है वो बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स फाइंड यूजेस रेंजिंग फ्रॉम मेनी हाउसहोल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप्स, बकेट्स, फर्नीचर, कंटेनर्स ईटीसी टू हाईली स्पेशलाइज्ड यूज इन एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, हेल्थ केयर। अब कहा क्या जाता है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, हमारे घर में भी होते हैं, जैसे रोप में, बकेट में, फर्नीचर में या कंटेनर ये सब बनाते हैं, उसका आगे भी यूज है, बहुत जगह जगह उसका उपयोग है, जैसे कह सकते हैं एयरक्राफ्ट में उसका उपयोग है, शिप बनाने में यूज है, स्पेसक्राफ्ट बनाने में, हेल्थ केयर में सबका यूज होता है। और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स दे आर नेम्ड एज अ रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। जैसे कहा जाता है कि जो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके यूज या उनके प्रॉपर्टी के आधार पे उनका अलग अलग नाम होता है, जैसे रेयन हो गया, नायलॉन हो गया और पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया। दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी। ये सारे जो फाइबर है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, किस तुलना में एक दूसरे से अलग होते हैं, तो मजबूती में वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अलग हो सकती है उनकी, नेचर बर्निंग अलग हो सकता है, उनका कॉस्ट अलग हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी अलग होता है। मतलब जो भी हम फाइबर बताए हैं अभी आपको, उस फाइबर से जो भी फैब्रिक बनते हैं उन सभी फैब्रिक की
जो क्वालिटी होती है एक दूसरे से अलग होती है, और वो फैब्रिक की जो क्वालिटी होती है वो किन किन चीजों पर बेस्ड होती है वो चीजें आपको यहाँ बताएंगे कि उन उन चीजों के बेसिस पे वो सब अलग होते हैं। चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। रेयन, इट इज मेड फ्रॉम अ सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम अ वुड पल्प। ये जो रेयन होता है वो सेलुलोज से बनता है जो वुड पल्प से प्राप्त होता है। इट इज यूज टू मेक अ कंटेनर कार आप हॉर्सरी इटीसी। इसका यूज हम लोग क्या क्या चीज में करते हैं? इसका यूज हम लोग कंटेनर बनाने में, कार आप हॉर्सरी ये सब बनाने में करते हैं। नायलॉन की बात करते हैं तो नायलॉन जो होता है पॉलीएमाइड मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। एक पॉलीएमाइड ठीक है चीज केमिकल होता है जो पेट्रोलियम से बनता है। इट इज लाइटर वेट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये बहुत हल्का मजबूत और टिकाऊ होता है। द फैब्रिक ऑलवेज इजी इवेपोरेशन एंड ड्राई क्विकली। ये जो फैब्रिक होते हैं इनसे जो बने कपड़े होते हैं वो जल्दी क्या होते हैं जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, हमने जो वाटर होता है जल्दी सूख जाते हैं कहें तो। इट इज यूज्ड इन पैरासूट फ्लैट वेस्ट कॉम बैग यूनिफॉर्म टायर्स इटीसी। इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? इनका उपयोग करते हैं पैरासूट बनाने में, फ्लैग बेस्ट बनाने में, कॉम बैग बनाने में, यूनिफॉर्म टायर इटीसी ये सब बनाने में करते हैं। पॉलिस्टर, ये वर्सटाइल एंड इम्पोर्टेंट मैनमेड फैब्रिक। इट हैज एन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टिंग रिंकल एंड स्प्रिंगिंग बैक इनटू इट्स क्रिस्प स्मूथ शेप। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट। इट इज यूज इन ड्रेसेस सूट रेन वाटर एटीसी। आगे हम पॉलिस्टर की बात नहीं करते, ये कह सकते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसा फाइबर है जो मैन मेड के द्वारा बनाया जाता है। इनसे बहुत प्रकार के फैब्रिक भी बनते हैं और ये जो होते हैं इनकी जो क्वालिटी होती है ये काफ़ी अच्छी तरीके से कह सकते हैं। जैसे इसमें रिंकल कपड़े में रिंकल वगैरह सब नहीं होता है, स्प्रिंग करते हैं ठीक है, और इसमें किसी प्रकार का स्मूथ से मतलब मुलायम होते हैं। उसके बाद कह सके तो ये काफ़ी मजबूत और सॉफ्ट होते हैं तो इनका उपयोग हम लोग ड्रेस सूट या रेन वाटर ये सब की बनाने में करते हैं। एक्रिलिक फाइबर सिमिलर टू दैट ऑफ वूल एंड इट इज यूज टू मेक अ स्वेटर ब्लैंकेट्स सॉइल इटीसी। इट इज लाइट वेट सॉफ्ट एंड वार्म। ऑल्सो इट इज चीपर दैन अ नेचुरल वूल। अब बात करते हैं अगला फाइबर्स के बारे में जो है एक्रिलिक। एक्रिलिक फाइबर जो होता है वो वूल के जैसा होता है, इससे हम लोग स्वेटर ब्लैंकेट सॉइल इटीसी बनाते हैं। ये बहुत हल्का सॉफ्ट और गर्म करता है। ये जो होता है वो नेचुरल वूल से सस्ता होता है। इट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल कि ये आपको ये केमिकल से बचता है, कीड़े मकोड़े इस पे असर नहीं करते, सनलाइट से ये जल्दी डैमेज नहीं होता है। देयरफॉर दे आर वाइडली इन यूज नाउडेज। इसी कारण से नेचुरल वूल की जगह इनका उपयोग आजकल ज्यादा हो रहा है। प्लास्टिक की बात करें तो लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर एक प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर से ही बना हुआ। सम प्लास्टिक हैज अ लीनियर अरेंजमेंट एंड द यूनिट्स एंड सम हैव अ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट्स। कुछ जो प्लास्टिक होते हैं उनमें लीनियर अरेंजमेंट होते हैं ठीक है, और कुछ जो प्लास्टिक होते हैं उनके यूनिट्स क्रॉस लिंक्ड होते हैं। मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं कि लीनियरली अरेंज की एक एक यूनिट है, एक एक लाइन में ऐसे करके यूनिट अरेंज होते हैं, लीनियरली अरेंज है, और जो क्रॉस लिंक है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं ठीक है, ऐसे करके क्रॉस लिंक वाले सब अरेंज होते हैं ये फिर ऐसे करके, यानी जो प्लास्टिक बनते हैं और जो यूनिट उनके अरेंज होते हैं वो लिनियरली अरेंज होते हैं या क्रॉस लिंक अरेंज होते हैं, हमने आपको यहाँ बताया है। और जो प्लास्टिक है उसके बेसिक जो मेन एग्जांपल है वो पॉलीथीन है ठीक है, प्लास्टिक की एग्जाम्पल पॉलीथीन है। टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन। आज के जीवन में बिना प्लास्टिक को हम लोग इमेज ही नहीं कर सकते, बट इट बी इट होम और आउटसाइड प्लास्टिक इज वेरी एवरीवेयर। चाहे वो हम घर में हो या घर के बाहर हो, प्लास्टिक सभी जगह होता है, इसका उपयोग हम लोग सभी जगह करते हैं। ये मार्कर प्लास्टिक से है, ये बर्तन भी कोई एक प्रकार का प्लास्टिक से है, पेन भी है एक प्रकार इसमें प्लास्टिक यूज है ठीक है, और बात करें तो बोर्ड है इसमें भी कुछ हद तक प्लास्टिक यूज है। तो इस तरीके से कहें तो हमारे चारों तरफ प्लास्टिक है, बिना प्लास्टिक के हम अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं या एज्यूम नहीं सर्वाइव कर सकते, एक तरीके से कह सकते हैं कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी।
चलिए कुछ चीजें हम आपको बताते हैं, जो हम टाइप्स ऑफ फाइबर बताए उस सभी फाइबर की क्वालिटी होती है, जब हम उन्हें जलाते हैं तो एक विशेष प्रकार का स्मेल निकलता है। आपको ये होमवर्क के रूप में है कि आप इस चीज को देखिए कि कब किसको जलाया जाता है, किसको जब जलाते हैं तो किस प्रकार का स्मेल आता है, ठीक है। ये आपके बुक में दिया हुआ है, सबका देखिए, अगर उसके बाद कुछ डाउट है तो हम तक भेजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। थैंक यू।